ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ ਸੇਂਟ ਸੁਲ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਪੀਆਰ ਮਾਲ ਗੇਮ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੇਂਟ ਸੁਲ ਦੇ ਡਿਵਾਈਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੇਅਰਵੈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਜ਼ਾਰਾ And why not? Finally, all of you are the students of Saint Soldier Divine Public School, which is famous all over India for their students. अर्ज किया है जमाने का ये दस्तूर है पुराना जमाने का ये दस्तूर है पुराना होता है यहाँ सबका आना जाना आप जहाँ भी जा रहे ऐसी छाप छोड़ जाना आप जहाँ भी रहे ऐसी छाप छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाता रहे बस आपका ही तराना कि हर कोई गुनगुनाता रहे बस आपका ही तराना जस्ट एज गोल्ड एंड डायमंड्स आर हिडन इन द डेप्थ ऑफ द अर्थ इन द सेम वे एसएसडीपीएस आल्सो कवर्ड द स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्किल्स गुड वर्क एंड शार्प माइंड विजडम कंटिन्यूज टू बी डिस्प्लेड बाय हिज प्योर एंड काम माइंड अर्ज किया है साथ गुजरे जो पल भुला ना देना साथ गुजरे जो पल भुला ना देना रुकना मत तुम तब तक जब तक कुछ जमाने को बनके दिखा ना देना जब तक कुछ बनके जमाने को दिखा ना देना Now we would like to invite our principal, honorable principal ma'am, on stage to express their feelings towards our seniors. I can understand that today you people are not in the mood to listen to your principal. ठीक है आज आप लोग प्रिंसिपल की ना डांट सुनने के मूड में ना उसकी बात सुनने के मूड में हो सो जस्ट वन विश टू एवरीबॉडी गॉड ब्लेस यू ऑल स्काई इज द लिमिट फॉर यू ऑल भगवान करे आप लोग इतनी तरक्की करो कि अपने बाबा के साथ साथ सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल का भी नाम रोशन करो एंड स्टेज इज योर्स काइंडली स्टार्ट इट विद यू नाउ जलवा जलवा Raise up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and never latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? Kis muh ka hai ye Jalva? Kis muh ka hai ye Jalva? Shohrat bhi nahi ye Jalva? Maqsad bhi nahi ye Jalva? Tell 'em like it is. I can't see. कश लगे ये जलवा मैं कश लगे ये जलवा नशा ही नशा ये जलवा मजा ही मजा नशा ही नशा throw it up throw it up जलवा आग सी रवानिया She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Thank you.
Check it out.
power to implement a change in school, what would it be? पहले तुम आंसर बताओ, फिर मैं बताऊंगी कि तुम्हारे दिल में आंसर क्या है। अगर तुम्हें ये पावर मिले कि तुम कोई चेंज लाना चाहते हो स्कूल में, तो वो क्या लाओगे? प्रॉपर जवाब दो, ये तुम्हारे टैग्स के लिए है, अब टैग्स मिलने तुम लोगों को। कितनी अहम मौका है, यही मौका है। अक्षय इधर आ, तेरे से भी सेम यही क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें स्कूल में कुछ चेंज ना हो तो क्या चेंज करेगा? मैं स्कूल में चेंज करूंगा कि बस मस्ती। इनके मन में आंसर है कि जो साडा हॉस्टल है तो प्रिंसिपल ही चेंज कर दिए। इतनी डांटे प्रिंसिपल कभी नहीं सानू मिली, मन तो ताडा ही है। चलो बस थैंक यू। किस कब से स्कूल में बेटा? चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है दैट व्हाट विल यू मिस द मोस्ट आफ्टर स्कूल? स्कूल के बाद सबसे ज्यादा क्या मिस करो? टीचर्स, फ्रेंड्स और प्रिंसिपल मैम। जिसने टैग जीतना है ना वो मेरी तारीफ करेगा तो उसको टैग मिलेगा। तभी तो प्रिंस को मिस करेगा। ऐसे नहीं मिलेगा प्राइज, वो मुझे पता लगना चाहिए कि अंदर से आ रही है आवाज ये। अच्छा तुम्हारे मोस्ट फेवरेट टीचर कौन रहे? फिर भी प्री मेट से तो तुम यहाँ पे पढ़े, वो टीचर प्लस टू की असेसमेंट लगनी है थोड़ी सी। बेटा वो मैं नहीं लगानी है, फिर तो प्रिंसिपल मैम को मिस करेंगे। देखो यहाँ पे ना तुम्हारी असेसमेंट कुछ भी चीज तुमसे रिलेटेड है वो मेरे से पूछे बिना तो होती नहीं। बस भी ठीक है। नहीं सीरियसली तुम इतने टीचर्स से पढ़े हो, कोई टीचर यहाँ से चला गया वो स्टिल यू फील लाइक दैट कि हाँ वो टीचर बहुत अच्छा था? यस मैम, थर्ड क्लास में दिव्यंका मैम थे तो उनको मिस कर रहे हैं, वो अभी तक मेरे साथ नहीं आए हैं, इंस्टाग्राम वगैरह में बात होती है हमारी। दैट्स थर्ड क्लास में दिव्यंका मैम थे। चलो दैट्स नाइस। व्हाट वाज योर हैप्पीएस्ट मोमेंट इन द स्कूल? सबसे खुशी वाला मोमेंट आज जी मैम। या खुशी वाला मोमेंट वो मैडम जितन तुझे स्कूल ले आंदे ऐसे स्कूल आई हो ये बहुत बड़ी थी। स्टिल ये तो चलो आज का ये रटा रटाया आंसर हो गया ना, फिर भी कोई याद हो कि भाई कब से स्कूल में हो? 16। फिर भी कुछ याद हो कि हां भाई उस दिन बड़ा मजा आया था, ये टीचर ये बहुत अच्छा था, वेल स्पेंड टाइम था, कोई स्पोर्ट्स डे, कोई एनुअल डे, एनीथिंग यू थिंक कि हां भाई वो मेमोरी बड़ी अच्छी है हमारी? क्रिसमस का फंक्शन हुआ था जो लास्ट ईयर, वो अच्छा था। चलो दैट्स गुड। आज नेक्स्ट और कुछ अच्छा है वो कि मेरे पास हो लेकिन अभी तक है नहीं। सारा कट लोड। अच्छा और
चलो ऐसे ही किसी ना किसी को तो आइडल मानते होगे कि दिस इज माय आइडल, आई वांट टू बी लाइक हिम और हर, ऐसा कोई घर में हो, घर से बाहर हो कि हाँ भी मुझे इसके जैसा बनना है। मेरा ब्रदर, ब्रदर। एंड व्हाट इज ही? चलो तुमने नर्सरी से लेकर के अब तक की अपनी जर्नी बताओ इन जस्ट 2-3 लाइन्स। कुछ आए कुछ अलग कुछ तैयार के भी First of all, I want to tell him about what he missed. Like, our country made so much development in space sector as well as defense, right? Yeah. Yeah. Other thing I would like to tell him that at least make the classes. Like, we have same NCERT books. Same those 10-15 years ago, what was teaching, now we are also studying. So I would like to tell him to change this. Change the study material so that everyone could take interest, right? Because right now it feels like, sometimes it feels like a burden. Yeah, it is. Because we are in school, so yeah, so this should be changed. You have medical or non-medical? Non-medical. So you are an aspirant IIT? Yes. So, all the best. Thank you so much. जो तुझे लगता है कि मेरे में ये चीज अच्छी है, अच्छी क्वालिटी है मेरे में, बट नोबडी नोज अबाउट दिस, फिर हिडन नहीं होंगे जो हमें दिखी नहीं है। कब से पढ़ रहे हो स्कूल में? तभी तो। चलो, आपका फेवरेट टीचर? सॉरी मैम। शानू मैम क्यों अच्छे लगते हैं? डांटते ही बहुत है बच्चों को। इकोनॉमिक्स पढ़ाती है। चलो दैट्स गुड, ओके थैंक यू। व्हाट्स द बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इन योर लाइफ? एज़ फॉर द बेस्ट थिंग आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट अ प्रिंसिपल मैम लाइक यू, सो नाइस, वेरी नाइस, फुल मार्क्स। फर्स्ट थिंग आई वुड से इज लीविंग दिस स्कूल बिकॉज़ आई एम इमोशनल। Even I don't know. Okay.
question. You are going with medical, na? Non-medical. So is there something you have always wanted to but haven't? What is your future plans? What do you want to be in your life? Engineer. In which stream? Obviously tech department. Tech department. Why so? I think technology mein hamara future hai, technology grow. Engineers to bade boring hote hain. मैं एक्सेप्शनल हो जाऊंगी चलो दैट्स गुड ऑल द बेस्ट टू यू थैंक यू मैम हु इज योर फेवरेट टीचर इन व्हाई स्वीटी मैम आई वाज एक्सपेक्टिंग व्हाई मैम हर टाइम पे जब मुझे लगता है मैं डाउन जा रही हूं स्वीटी मैम कहती है नहीं बच्ची का तू कर सकती है 90s में जा सकती है तो लेके तो देख तू पढ़ के तो देख एंड ऑब्वियसली ऑब्वियस इंस्पायरिंग टू बी बेस्ट दैट्स गुड इफ यू हैड द पावर टू इंप्लीमेंट अ चेंज इन द स्कूल व्हाट वुड इट बी क्या चेंज करोगे लोकेशन फ्रंट गुड इवन आई आल्सो वांट दिस चलो गुड थैंक यू मैम यू हैव सच अ ब्यूटीफुल हेयर थैंक यू मुझे लगता है तेरे से लंबे तेरे बाल है शायद सो जस्ट से व्हाटएवर यू वांट टू से कब से है स्कूल में मैं प्री नर्सरी जो भी तुम कहना चाहते हो अपने स्कूल के बारे में अपने टीचर्स के बारे में अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या बोलो सभी बहुत अच्छे हैं अच्छे तो बहुत है लेकिन किसी के साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो या एनीथिंग एनी इंसिडेंट दैट यू वांट टू शेयर ऐश हु इज ऐश ओके शी इज माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड और ये बीच में कल छोड़ गई थी स्कूल फिर घूम फिर के यहीं पर आई मैंने बोला तुम्हारा सिर यहीं पर बचेगा मुझे पता था पहली बार मुझे जा ही नहीं सकते वहाँ पर टिकट लगी तो स्कूल इसलिए चेंज की फिर भी वापस सेंट सोल्जर में ही आई है देखा दैट्स हाउ द सेंट सोल्जर इज यस सेंट सोल्जर सच में बहुत अच्छी मेमोरीज बनी है हमारी और आपके साथ भी स्पेशली बाकी तो चलो चेंज होते रहे बट कोई कनेक्शन सब बना हुआ है हमारा कोई एक अलग सा ही है पहले तो आप सच बताऊँ तो सभी बैठे हैं मैं दिल में जो मेरी बात होती है वो मेरे मुंह पे होती है पहले आप थोड़े खड़ूसे थे फिर जब धीरे धीरे पता चला कि आप बहुत स्वीट हो तो जब आपको मतलब कि मूवमेंट होती है ना कि स्वीट बनने की तब आप बन जाते हो और जब आपको लगता है कि हाँ हाँ मुझे कुछ मुझे खड़ूस बनना है आपको खड़ूस बनना है तो आप बनोगे ऑब्वियसली द सीट डिमांड्स दिस अगर तुम भी अपनी लाइफ में कभी किसी एडमिनिस्ट्रेशन जॉब पे जाओगे ना तुम भी ऐसे ही होगे समटाइम्स यू हैव टू बी यू नो आप और कलक में मेरे लिए एक मोटिवेशनल पर्सन हो तुम मेरे आइडल है अरे वाह दैट्स नाइस तभी मैंने अपना होम भी चेंज कर दिया था मतलब किसी के लिए इतनी छोटी एज में आइडल बनना इट्स कमेंडेबल ऑल द बेस्ट ऐश जी सो टेल मी समथिंग अबाउट यू आई डोंट नो मच अबाउट यू जब तुम्हें काली माता दुर्गा माता था यस तो जब तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है जब तुम्हें मैम ने बोला कि आई वॉन्ट दैट यू शुड डू दिस रोल देखा ओके और
मैम अंत में क्यूट है और मैं डाकूंगी थोड़ी थोड़ी ओके और प्रतिमा मैम प्रतिमा एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है या कोई भी किसी भी चीज़ के रिलेटेड ऑप्शन उसके पास होता है आइडियाज उसके पास होते हैं कैसे सोल्यूशन करने हैं मतलब बेस्ट एडवाइजर जो है वो यस मैम ऑल द बेस्ट थैंक यू हू नेक्स्ट शायरी ओके वन टैलेंट मैम तो कैंसर बट मैंने शायरी देखी तो सर रेली वांट टू साइड स्टार्ट मैम भूल जाते हैं ये बात सभी इस दुनिया की रौनक में भूल जाते हैं ये बात सभी इस दुनिया की रौनक में कि इंसान तो है ही एक मुसाफिर बिना किसी ठिकाने हर सफर को पार करता चाहे वो जिंदगी का हो या स्कूल लाइफ का लेकिन आज जब ये सफर खत्म होने आया है एक ख्याल ने मुझे तब से सताया है कि लम्हे अब बस यादें बनकर रह जाएंगी और ये दिन वापस आ जाए इस मुराद को हमेशा दोहराएंगे नहीं मान सकती मैं कि हमारा रिश्ता अब बस कुछ दिनों का है नहीं मान सकती मैं कि हमारा रिश्ता अब बस कुछ दिनों का है ये वादा कि मिलते रहे तो बस कुछ महीनों का है फिर भी कैसे भूल जाऊं वो लम्हे जिनमें मेरा बचपन समाया है चाहे वो मेपल की ट्रिप हो या एनुअल फंक्शन की एक्साइटमेंट हर एक पल ने मेरी यादों में एक घर सा बनाया है अब तो रश आता है उन दिनों पर जब मैं माँ से स्कूल ना जाने की जिद किया करती थी अब तो रश आता है उन दिनों पर जब मैं माँ से स्कूल ना जाने की जिद किया करती थी कभी इसी स्कूल आने के लिए तरसोगी माँ भी पलट कर कह दिया करती थी सच कहती थी माँ ये आज समझ आया है सच कहती थी माँ ये आज समझ आया है जब एक भारी मन और नम आंखों से सेंट सोल्जर को अलविदा कहने का समय आया है Fire.
ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ
सेंट जूल द डिवाइन पब्लिक स्कूल गुरबंता सिंह मार दे बच्चियां दी आज फेवर पार्टी बहुत शानदार रही और बा कमाल परफॉर्मेंस रही हां ते आओ बच्चियां दे नाल करदे हां गलबात बिकॉज़ बच्चियां नु मिल चुके ने बहुत सारे टैग। हेलो जी। हेलो, की नाम है थोड़ा? मोक्षी खन्ना। ओके, तनु टैग मिला है मिस पर्सनैलिटी, राइट? की नाम है थोड़ा? मोक्षी खन्ना। मोक्षी खन्ना नु टैग मिला है मिस पर्सनैलिटी दा, क्यों मिला है एदे बारे करदे हां गलबात। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਫੇਵਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਫੇਵਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗੇਮ ਔਨ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਟੀਚਰਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਮੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਆਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਏ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਜਨੀਸ਼। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਫੇਵਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਮੈਮਰੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਮਿਸਟਰ ਪਾਪੂਲਰ। ਓਕੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਪੂਲਰ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਪੂਲਰ। ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਗ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ? ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ, ਆਹ ਦੋ ਮੈਮ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਵਧੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵਾਲ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੇਂਟ ਜੋਰਜਲ ਡਿਵਾਈਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੁਰਬਤਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਮੈਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਵਪ੍ਰਿੰਦ ਮੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਫੇਅਰਵੈਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਗਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਗਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ 15-16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਡਿਵਾਈਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਪੇਅਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸੇਂਟਸ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮਸ ਨਾਲ, ਸੇਂਟਸ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮਸ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ।